लेकिन दोस्तों आज हम सर्किट बनाएंगे फोटोसेल का और हम वीडियो बना रहे हैं अजर व्लॉग के लिए। ये हमारा सिलेक्टर स्विच है जैसा कि आप देख रहे हैं। यहाँ पे हम ऑटो कनेक्शन लेंगे और यहाँ पे ऑफ और यहाँ पर हैंड के लिए राइट। और उसके बाद इसके साथ ये है पीसी जो पावर कंट्रोलर है फोटोसेल की और ये हमारा फोटोसेल सेंसर है। ये आप देख रहे हैं ये सेंसर लगा हुआ है LDR राइट। इसको बोलते हैं लाइट डिपेंडिंग रजिस्टर। ये हो गया और उसके लिए हमको चाहिए एक टेस्टर चाहिए कनेक्शन करने के लिए, एक स्टार स्क्रू ड्राइवर चाहिए और साथ में सॉल्यूशन टेप भी होनी चाहिए सेफ्टी के लिए और कुछ वायर चाहिए रहती है हमें कनेक्ट करने के लिए। अब हम सर्किट शुरू करने जा रहे हैं और अब आप ध्यान से देखियो। सबसे पहले हम फोटोसेल लेंगे, उसको कनेक्ट करेंगे एक न्यूट्रल वायर। अब हम कनेक्ट करेंगे इनपुट फेस वायर। ये शुरू किया और दूसरा वायर लेंगे, इधर कनेक्ट करेंगे। इसको हम आगे कनेक्ट करेंगे, बाद में मैं डायग्राम भी बना के समझाऊंगा। उसके बाद हम इसको एक पॉइंट हमारा 8 में लगेगा, ये आप देख सकते हैं थोड़ा क्लोज करके, सॉरी ये 7 में लगेगा एक टर्मिनल में, 7 टर्मिनल में। और दूसरा वायर हम कनेक्ट करेंगे 6 में, ये देखिए ओके। उसके बाद रह गया हमारा सिस्टम आगे। उसके बाद हम दो वायर लेंगे और सिलेक्टर स्विच में लगाएंगे। सिलेक्टर स्विच का टर्मिनल नंबर 4 में लगाएंगे। ये 4 में लग गई और इसी से हम एक वायर लूपिंग करेंगे जो हम देंगे 3 में। ये 3 में लग गई वायर, ये लूपिंग है राइट। उसके बाद एक वायर निकलेगा 3 से, अरे वाह 3 से निकलेगा और ये जाएगा सीधा। अगर आपके पास कॉन्टैक्टर है तो आप कॉन्टैक्टर को होल्ड करना चाहते हैं तो फिर आप सीधा कॉन्टैक्टर को देंगे ये वायर, नहीं तो आप सीधा लाइट में देंगे क्योंकि ये 16 एम्पेयर का फोटोसेल है और आप इससे 16 एम्पेयर तक कंट्रोल कर सकते हैं किसी भी चीज़ को। ये हो गया। उसके बाद आगे, सॉरी ये नो प्रॉब्लम फेस वायर ही है। उसके बाद हम एक लेंगे इसे वायर 4 नंबर से, सिलेक्टर स्विच में से 4 नंबर में से वायर लेंगे। 4 से वायर निकलेगी, सीधी जाएगी हमारी बी में, सॉरी एक वायर गलत हो चुकी है, ये वाली ठीक है, ये वायर ओके ओके नो प्रॉब्लम। दूसरी वायर हम लेंगे इसके टर्मिनल नंबर 1 से, ये देखिए सेंसर का 1 से लेंगे वायर, ये जाएगी सीधी फोटोसेल में जहाँ पे हमने ब्लू वायर कनेक्ट किया वहीं पे ये भी कनेक्ट करने का, क्योंकि इस पे ऑटो पे चलेगा। दूसरा हैंड, ये हैंड वायर होगी हमारी, ये हैंड और ये वायर होगी हमारी ऑटो की, ये देखिए ये हो गई कनेक्ट ओके। अभी बाकी है एक लूपिंग बाकी है हमारी, हम दो वायर लेंगे दोबारा, एक वायर जाएगी हमारी इधर और दूसरी वायर जाएगी यही वायर लूपिंग टर्मिनल नंबर 2 में, ओके। और ये वायर हो गई हमारी फेस कॉमन और एक वायर थोड़ी ये, सॉरी ये वायर जो टर्मिनल नंबर बी में लगी ना, ये वायर यहाँ पे नहीं लगेगी, ये हम न्यूट्रल वायर है हमारी, सॉरी वायरें एक जैसी हैं इसलिए थोड़ी गलती होगी। जो वायर हम इधर टर्मिनल नंबर ए में
कनेक्ट कर रहे हैं ना डबल, वही वायर आएगी फोर में, राइट। बाद में डायग्राम बना के समझा दूंगा, इजीली समझ आ जाएगा, ये इतना मुश्किल नहीं है। अब बस देखते रहिए, ये हो गया। उसके बाद ये हो गया हमारी न्यूट्रल वायर, और एक ये वायर बची हमारी फेस वायर, राइट। अब हम इसको कनेक्शन देंगे, फेस कनेक्शन। फेस कनेक्शन करने के लिए हमारे पास मौजूद नहीं फेस, फेस है, लीड है अपने पास, एक्सटेंशन लीड। ओके, हम इसको अपनी दूसरी नेक्स्ट वीडियो में आपको सर्किट डायग्राम बना के उसके साथ ही फोटोसेल को, यानी इसका कनेक्शन कंप्लीट करके आपको वो समझाते हैं। फोटोसेल के मतलब पार्ट वन वीडियो है, और इसकी जो सेकंड वीडियो है वो पार्ट टू आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके नीचे देख सकते हैं, सही। और इसको वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। थैंक्स।